उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर के कटेरी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के कई भाजपा के पदाधिकारियों और स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। आपको बता दूं, जिसमें मुख्यमंत्री ने आगामी कटेरी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। हमारे संवाददाता संदीप जायसवाल के साथ देखें ये रिपोर्ट। चुनाव में पार्टी अपने संगठन संरचना के आधार पर नीचे तक अपनी संगठन संरचना खड़ी की है, उसके आधार पर काम करेगी। सभी लोगों को उन्होंने निर्देश दिया। भारत उत्तर प्रदेश आज देश भर में हरियाली का प्रदेश कहा जा रहा है। अंबेडकर नगर के कार्यकर्ताओं ने भी कमर कसी है, एक एक तपस्वी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया और ये सूखा समाप्त होगा और अंबेडकर नगर में भी अब कमल खिलेगा और हमेशा आगे भी कमल खिलेगा। बहुत सीनियर पदाधिकारी पदम सेन चौधरी जी यहाँ के जिला प्रभारी हैं, हम लोग भी एक संगठन के कार्यकर्ता हैं, हम सब मिल करके कदम से कदम मिला करके सब लोग एक साथ चल करके काम करेंगे, कहीं कोई मतभेद नहीं होगा। पूरे चारों जिलों की समीक्षा बैठक की थी, सारे विधायक थे, सारे पूरे देवी मंडल के सारे विधायक सांसद सब लोग थे, दो तीन एमएलसी थे, आप लोग सब लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं जो भी क्षेत्र में थी बताया, अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी बने थे। ऐसे इस बार अयोध्या भी कल आ रहे हैं, आज यहाँ हैं, कल दूसरे जिले जाएंगे, स्वयं समीक्षा वो कर रहे हैं। पहले ये विधा नहीं थी, अब मुख्यमंत्री जी आते हैं, पहले कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मिलके उनकी समस्याओं को नोट करके फिर वहां बैठ करके अधिकारियों से पूछते हैं।